आस्तीन की कटिंग के लिए आपको जो मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए आस्तीन की कटिंग में आपको बड़ी आस्तीन और छोटी आस्तीन इन दोनों में फ़र्क होता है कटिंग में, ठीक है। तो मैं आज आपको दोनों बताऊंगा। बयालीस इंच जो ब्लाउज़ की कटिंग है उसमें आज मैं आपको बड़ी आस्तीन की कटिंग बता रहा हूँ, जो एल्बो तक की आस्तीन कटती है वो कैसे कटेगी, ठीक है। एल्बो आस्तीन काटने के लिए आपको जो 10.5 इंच का माप होगा, अगर 42 इंच आपका स्ट्रेस्ट है तो आपका 10.5 इंच आपकी जो है आस्तीन की लंबाई होगी। तो ये देखिए 10.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है ना, 1 इंच बड़ा मार्जिन ले करके 11.5 इंच में दोनों तरफ निशान लगा लेता हूँ। अब जो ये ब्लाउज़ हमने 42 इंच का जो ब्लाउज़ काटा था, अब इसमें जो मोढ़े के पास से जो हमारा नाप आया है वहाँ से जो मार्जिन का जो नाप है वो देखना है हमें कितना आ रहा है, 4 इंच आ रहा है दोस्तों, तो हमें 4 इंच पर निशान लगा लेना है यहाँ, ठीक है। अब हमें इसकी मोहरी जो है वो जैसे 11.5 इंच हमारी जो ब्लाउज़ की 11.5 इंच जो हमारे आस्तीन की लंबाई है मैंने ली है, ये देखिए ये, और 10.5 इंच लंबाई तैयार आएगी। इसकी जो मोहरी आएगी आस्तीन की सामने की वो 42 इंच इनका चेस्ट है, उस हिसाब से जो है 11.5 इंच इनकी मोहरी है। अब 11.5 इंच मोहरी और जो 1.5 इंच का जो मैंने निशान जो मार्जिन का लगाया वो अलग से ले लेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये जो 11.5 हमने लिया है यहाँ, यहाँ से हमें 1.5 इंच जो है मार्जिन के लिए यहाँ से ले लेना है, फिर उसके आगे एक और 1.5 इंच भाग ले लेना है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें, मैं यहाँ से 1.5 इंच ही लेता हूँ ऊपर, इससे इसकी फिटिंग जो है बराबर आती है, ऊपर के नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। किसी का जो हाथ थोड़ा हैवी होता है उसके लिए लेनी पड़ती है, मगर मोस्टली इससे हो जाता है काम। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गई आस्तीन की मार्जिन के, ये हो गए मोहरी, मोहरी हो गई आपकी 11.5 इंच, मोड़ा हो गया आपका 7.5 इंच, ये देखिए ये 7.5 इंच। अब जो इसकी जो गहराई हमने ली है वो ली है 4 इंच की, नॉर्मली 3 इंच लेते हैं, पर ये ऐसे ब्लाउज़ की जो हेल्थ बढ़ मतलब सॉरी जैसे हैवी ब्लाउज़ जो कटता है उसके हिसाब से हमारा जो है ब्लाउज़ का जो ये मोहरी का जो गहराई है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। जो भी 3.5 की जगह 4 इंच मैंने ले लिए, और ये देखिए लंबाई ये इतनी है। अब यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं, ये ठीक है। अब ये 7.5 का आधा हो गया हमारा, ये देखिए 4.25 इंच, ठीक है 4.25 इंच ये हो गया। यहाँ से हमें एक सीधी लकीर खींच लेनी है, ये और ये 4.25 इंच में हमने मार्किंग की है। अब ऊपर हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर ले लेना है, और जो नीचे इस लाइन के जो नीचे की गहराई है वो 0.5 इंच ले लेनी है, कुल टोटल 1.5 इंच की जो है गहराई ले लेंगे हम। अब यहाँ से हमें हाथ से इसे निशान यहाँ तक लगा लेना है, और ये जो निशान आएगा दोस्तों ये भी यहाँ से ऐसा ऊपर तरफ से होते हुए ही नीचे आएगा, ये देखिए आप निशान देख लीजिए, ये यहाँ तक आया, ये मार्किंग जो है आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी, और नहीं तो इसका जो फर्मा कैसे काटते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस गहराई का जो फर्मा है ये भी कटता है, इसका भी मैं आपको फर्मा कैसे काटते हैं वो मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, कि आस्तीन काटते समय जो यहाँ का मोढ़े के पास का जो कटिंग है इसका फर्मा कैसे काटें, इसका भी फर्मा होता है, इससे आसानी हो जाती है। बार बार आपको इस निशान लगाने की कभी कम ज़्यादा लग जाता है वो आपको नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए कटिंग कर लेते हैं, एक बार आपकी कटिंग में हाथ जम गया तो आपको फिर इस निशान की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप ऐसे ही काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये निशान की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको पलटा के बताता हूँ, ये देखिए ये कट गई आस्तीन, ये देखिए दोस्तों ये मैं निशान लगा देता हूँ, ये
ये देखिए बराबर आपकी जो ये आस्तीन है ब्लाउज पे बैठ जाएगी। ये देखिए किसी भी तरीके का कोई दूसरे नाप की ज़रूरत नहीं आपको, बस इतना सही करते ही आपकी ब्लाउज की जो आस्तीन है बैठ जाएगी। बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने आपको जो ये आस्तीन की कटिंग बताई है। अगर आपको ये आस्तीन की कटिंग का जो वीडियो अगर समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।